फ्रेंड आप लोगों ने तो कैसे फिर उम्मीद करती हूँ फिर अच्छे होंगे तुम मजे होंगे। देखिए दोस्तों आज के ब्लॉग को बनाऊंगी मैं मठा की कड़ी की सब कड़ी और साथ में चावल। हमारी वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें और कमेंट करें या सपोर्ट करें सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो देखें वीडियो नहीं करें आज की वीडियो को अच्छी बनवा लीजिए। तो देखिए अपने ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पहले दो मिर्चा पीस लो, हल्दी स्वाद सेब झाड़ूंगी फिर चावल बनाऊंगी। देखिए मैंने चार मिर्च बना ली है मैगी के लिए रखा ली। देखिए मैंने हल्दी लगा ली है हमें मिर्च और के सेब झाड़ू। मैं सिर्फ धो लिया हल्दी के लिए पीस लो। देखिए मैंने हल्दी और मिर्च तो खींच ली है मैं फटोल लूं उसके बाद फिर बेसन के सेब झाड़ूंगी। मैंने मसाला तो फटोल लिया है जीने लगा लूं उसके बाद फिर कढ़ाई रखूंगी। चिमटा फुकनी तो निकाल ली उपले के लिए पहले फोड़ लूं। देखिए दोस्तों चूल्हे भी आचे मम्मी ने क्योंकि घी अभी बनाया। मैं कढ़ाई के लिए रखू मैंने कढ़ाई तो रख दी है। जब कढ़ाई गरम हो जाएगी उसका तेल लगाऊंगी जब तक मैं बेसन। देखिए दोस्तों कढ़ाई गरम हो गई है मैं तेल लगा दूं। मैं तेल तो लगा दिया कढ़ाई में बेसन के लिए छान लूं थोड़ा थोड़े थोड़े पुए तोड़ूं छोटे छोटे। देखिए दोस्तों मैंने बेसन तो छान लिया मैं बेसन के लिए मार लूं उसके बाद सेब तोड़ूं पुआ निचोड़ूं। देखिए दोस्तों तेल गरम हो गया है मैं बेसन के लिए सेब झाड़ी। देखिए दोस्तों मैंने एक घना सा तोड़ दिया बेसन का हमने पंच दू। देखिए दोस्तों सेब सिक्के रेडी हो गए हैं मैं लगा लूं खा लूं। मैंने सेब तो निकाल ली है मैं दूसरा खाना तोड़ूं।
देखिए दस सेब बन के रेडी हो गए हैं, मैं लगा लूं। देखिए मैं सेब तो लगा लिए, मैं मसाले के लिए भून लूं। देखिए दोस्तों बहुत कितना आ गया है। मैंने मसाला तो लगा दिया, मैंने मछली लगा दी। लौकी लगा दिया, ये मसाला बढ़िया करके भुन जाएगा। उसके बाद तेल और मैं डालूंगी, हींग डालना भूल गई, हींग भी डाल दो। देखिए दोस्तों मसाला तो भुन गया है, मैं हटा के लिए कर दूँ। देखिए मैंने मठा तो खोल दिया, मैं खबो दू। देखिए दोस्तों जब बेसन जी खोल जाएगा उसके बाद सेब डालूंगी, जब ये कड़ी बन जाएगी फिर उसका। देखिए दोस्तों कड़ी बन के तो रेडी हो गई है, मैं कढ़ाई को नीचे डालू, थोड़ी सी मैं ऐसे पस लू, क्योंकि बेसन बेसन के सेब डालूंगी तो लकड़ के बाहर गिरेंगे, तो थोड़ी कड़ी इसमें पस ले रही हूँ क्योंकि कढ़ाई ज्यादा भर गई है। देखिए दोस्तों मैंने इतनी पतीली पस ली है कढ़ाई के लिए, मैं कढ़ाई को नीचे तालू समान से। देखिए दोस्तों पहले मैं सेब डाल दूं, मैंने सारे सेब तो डाल दिए कढ़ाई में, कढ़ाई को नीचे तालू, उसके बाद जिन लगा फिर अधर रखूंगी चावल के लिए। देखिए दोस्तों कढ़ाई अताली में नीचे, देखिए बेसन देखते पर कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके बताऊँ कैसा बना है। मैं पहले उसने लगा लूँ, उसका ध्यान रखूँ। देखिए दोस्तों मैं चूल्हा तो पिजा लिया है, मैं देने के लिए रख दूं। मैंने चूल्हे पर देर तो रख दिया है, जब खोल जाएगा उसका चावल डालूं, प्लेट से ढक दूं, प्लेट तो नीचे है ला, तो उसको ढकूंगी। देखिए मैं प्लेट से ढक दिया, अब जब घर खोल जाएगा उसका चावल डालूंगी, फिर मैं कड़ी से चेक करके बताऊँ कैसे बने। देखिए दोस्तों चावल उनके रेडी हो गए हैं, मैं भगोना के लिए नीचे डालू। देखिए मैंने भगोना तो नीचे डाल लिया है। देखिए दोस्तों मैं चावल तो पस लिए, मैं कड़ी के लिए पस लू, मैंने कड़ी भी पस ली है, मैं टेस्ट करके बताऊंगी कैसे बनी है, और आप भी लोग खा लो। देखिए दोस्तों चावल और साथ में कड़ी बहुत अच्छी लग रही है और टेस्टी भी लग रही है। तो देखिए हम पूरी वीडियो के विराम देते हैं, हमारी वीडियो अच्छी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें या सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और पूरी वीडियो देखें। वीडियो कहीं आज की वीडियो को अच्छी होने वाली थी तो हो गई अच्छी, तो देखिए हम मिलती नेक्स्ट वीडियो, फिर बाय बाय।